गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सर्किट सागर सेशन। आज के सेशन में देखूंगा केसीएल केवीएल से रिलेटेड टर्म, जो कि केसीएल हमने ऑलरेडी करा रखा था। आज मैं देखूंगा केवीएल यानी किरचॉफ्स के वोल्टेज के नियम। अगर आपने केसीएल बढ़िया से किया है तो केवीएल के बहुत सारे कंडीशंस और फॉलो अप के जो कंडीशंस होते हैं केवीएल के, वो वही होते हैं। बट केसीएल की जब आप बात करते हो तो वो किसी नोड पे वैलिड होता है, जबकि केवीएल की बात करते हो तो किसी लूप में वैलिड होता है। और इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, थ्योरी में तो कोई दम नहीं है कि किसी लोड में लूप में वोल्टेज का अल्जेब्रिक सम क्या होता है, हमेशा जीरो होता है ना। तो ये चीजें होती है और बाकी फॉलो अप जो करता है, जो जो कंडीशंस फॉलो करते हैं केसीएल, सेम कंडीशन फॉलो करता है केवीएल। लेकिन बच्चे सबसे ज्यादा इसके बैटरी वाली क्वेश्चन को गलत करते हैं, पोलैरिटी लेना गलत करते हैं, कैसे चूज करें, कैसे लूप में बढ़े। तो इसके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी थ्योरी में कोई दम नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखें, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप लोग मुझे पता है कमेंट कर रहे होंगे, लेकिन आज ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको अपलोड करता हूं, क्योंकि संडे है, किसी कारणवश से मुझे कहीं निकलना है, तो ये रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। आप लोग बारीकी से इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना, इसको बारीकी से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, कोई भी कमेंट करेंगे तो प्लीज़ आज के क्वेश्चन को कल के लिए रख लेना, है ना। ठीक है, चलिए आज मैं टॉपिक देख रहा हूँ आपका। छोटा सा ही टॉपिक है केवीएल, केवीएल है ना। अगर मैं बात करूं यहां पे इसके रिगार्डिंग, तो है ये केवीएल, इसका मतलब है किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, यानी किरचॉफ्स के वोल्टेज के नियम। क्या हो गए? किरचॉफ्स के वोल्टेज के नियम। कुछ बच्चों ने क्वेरी किए थे सर कि हिंदी लिख दिया करो, है ना। तो हिंदी आप लोग, मैं लव से बोल दे रहा हूं, आप लोग उसको नोट डाउन करेंगे, किरचॉफ्स के वोल्टेज के नियम, है ना। चलिए, अब यहां कहता है इससे पहले नोड में लगता था, लेकिन इसमें क्या होता है, लूप में लगता है। तो इसका स्टेटमेंट सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट इन अ क्लोज्ड लूप द अल्जेब्रिक सम, द अल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज ऑलवेज बिकम्स जीरो, है ना। किसी क्लोज लूप परिपथ में वोल्टेज का अल्जेब्रिक सम हमेशा जीरो होता है। और अगर और इसी चीज को कहना चाहूं दूसरे स्टेटमेंट में, तो और इसको क्या बोला जा सकता है, इन अ क्लोज लूप सिस्टम, इन अ क्लोज्ड लूप पाथ कह सकते हो, एक इन अ क्लोज लूप पाथ, टोटल वोल्टेज डिलीवर, शॉर्ट फॉर्म में बोला जा सकता है, टोटल वोल्टेज डिलीवर इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज ड्रॉप, इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन ए क्लोज लूप सिस्टम में, और क्लोज लूप पाथ में टोटल वोल्टेज कोई सोर्स जितना डिलीवर करेगा उस लूप में टोटल ड्रॉप के बराबर होगा। उस लूप में टोटल, अगर उस लूप को देखा जाए तो टोटल ड्रॉप के बराबर होता है। तो ये स्टेटमेंट है ना। और इसको दूसरे स्टेटमेंट में इस तरीके से कुछ लिखा जा सकता है। और इसके अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं देखूं कि कैसे इसको करा जाए, तो यहां देखिए, अगर एक क्लोज लूप, सपोज दैट मैं एक छोटा सा सर्किट लेता हूं, तीनों एलिमेंट ले लिया, सपोज दैट हमने तीनों एलिमेंट लिया, अगर किसी कारणवश यहाँ पे मान लो वोल्टेज VR है, यहाँ पे वोल्टेज VL है, और यहाँ पे वोल्टेज VC है, और ये VS है, तो क्लोज लूप में वोल्टेज का अल्जेब्रिक सम जीरो, यानी VS
और यहाँ ड्रॉप होगा, पहले प्लस जाएगा माइनस, देन यहाँ प्लस जाएगा, देन यहाँ माइनस, देन यहाँ प्लस जाएगा, देन यहाँ माइनस। तो वोल्टेज जैसे से जैसे इंटर की हो ना, तो उसको प्लस लेना है तो लेके चलो, या फिर निकलने वाले को माइनस लेना है तो भी लेके चलते हो। तो ध्यान समझिएगा यहाँ पे, समझ बच्चे यहीं पे कंफ्यूज करना शुरू करते हैं। अगर मान लो लूप लगाया हूँ तो करंट यहाँ से चला, करंट यहाँ से चला ऐसे चलेगा ना, करंट यहाँ से चलेगा, तो निकलने वाले को क्या लेना है? निकलने वाले को अगर प्लस लेना है तो इस एलिमेंट में निकलने वाले को फिर माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पहले ड्रॉप हुआ था, प्लस यहाँ रहता है माइनस यहाँ। तो किसी भी एलिमेंट में अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव रहेगा, यहाँ नेगेटिव रहेगा। यहाँ से अगर करंट गया है तो यहाँ पे क्या होगा? हायर पोटेंशियल, यहाँ लोअर पोटेंशियल, यहाँ हायर पोटेंशियल, यहाँ लोअर पोटेंशियल। अब कोई ये दिमाग में ना लगा ले, कोई ये दिमाग में तुरंत मन ना लगा ले कि सर इंडक्टर में वोल्टेज डीसी है तो शॉर्ट हो गया। अरे शुरुआती कंडीशन लगा लो, शुरुआती कंडीशन अगर लगा लोगे तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? वोल्टेज तो होगा ना यहाँ पे कुछ ना कुछ, फिर यहाँ भी वोल्टेज होगा। सो वी एस, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, वी एस माइनस, निकलने वाले को लिया हूं तो यहाँ पे निकलने वाला प्लस था तो यहाँ निकलने वाला माइनस, वी आर नेक्स्ट माइनस वी एल नेक्स्ट माइनस वी सी बराबर क्या? जीरो। सबका वोल्टेज का अलजेब्रिक सम क्या होगा? जीरो। सबका वोल्टेज का अलजेब्रिक सम क्या होगा? जीरो। और हमने क्या बोला, कोई जितना डिलीवर कर रहा उतने कंजम्पशन के बराबर, या वी एस बराबर वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी, यही होगा। और दूसरे टर्म में एक सिंपल सा रेजिस्टेंस के लिए अगर देखना चाहो कोई, तो ये देखिए, अगर कोई कह रहा है यहाँ पे वी एस है, ये वी आर है और वी ए वी एल है ना, एक वी एस है, एक वी आर है और एक वी एल है। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में क्या कहता है वी एस? अब देखिए प्लस माइनस जो कंफ्यूज करते हो उसको चीजों समझिए। जब यहां से करंट चला होगा तो ऐसे करंट लूप बनाया होगा, और करंट में निकलते वाले को अगर प्लस लियो या निकलने वाले को प्लस, तो यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा, यहाँ भी प्लस माइनस रहेगा, तो यहाँ भी निकलने वाले को माइनस लेना पड़ेगा, यहाँ निकलने वाले को माइनस लेना पड़ेगा। सो वी एस माइनस वी आर माइनस वी एल, वी एल क्यों लिखा यहाँ पे, वी आर कर देता हूँ, टू कर देता हूँ यहाँ, वी आर वन कर देता हूँ, है ना, वी आर टू, अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा? जीरो। अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा? जीरो। यानी कोई सोर्स जितना डिलीवर कर रहा है वही कंजम्पशन किसी लूप के बराबर होगा, यानी वी आर वन प्लस वी आर टू, वी आर वन प्लस वी आर टू। क्लियर है चीजें, है ना? तो यही होता है केवीएल। अब इसमें बैटरी वाले क्वेश्चन जो आप लोग बराबर गलत करते हो ना, वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहले सिंपल टर्म था, किसी भी लूप में वोल्टेज का अलजेब्रिक सम हमेशा जीरो। और दिखा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ही दूर रहे, और दिखा देता हूं ताकि आपके कंफ्यूजन ही दूर रहे। सपोज दैट और लूप ले लो, अभी तो एक ही लूप लिया है ना, अभी तो आपने एक ही लूप लिया है, अब एक और लूप ले लिया है ना, एक और लूप ले लिया, वी एस है ना। अब देखिए एक और लूप ले लिया जब, तो यहां लूप कितने बन गए? ये लूप वन है ना, ये लूप टू, ये लूप वन, ये लूप टू। करंट इसमें भी सर्कुलेट होगा, करंट इसमें भी सर्कुलेट होगा। तो वोल्टेज का अलजेब्रिक सम इस लूप में हमेशा सब जीरो होगा, वोल्टेज का अलजेब्रिक सम इस लूप में हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। तो ये भी पता होना चाहिए, वोल्टेज का अलजेब्रिक सम किसी भी लूप में उसका सबका सम, इसका जैसे निकलने वाला, इसका निकलने वाला, अब यहाँ की पोलैरिटी क्या रहती है वो देखना पड़ेगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग इस लूप का भी वोल्टेज का अलजेब्रिक सम क्या होगा? जीरो। इस लूप में भी वोल्टेज एल्जेब्रिक सम बिकम्स जीरो, यानी यहां का वोल्टेज, यहां का वोल्टेज, यहां का वोल्टेज, तीनों को जोड़ा जाए तो इस लूप में भी वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम क्या होगा? जीरो। यहां का वोल्टेज, यहां का वोल्टेज, यहां का वोल्टेज का भी अल्जेब्रिक सम अगर जोड़ा जाए तो क्या होगा? हमेशा जीरो। क्या होगा? अल्जेब्रिक सम हमेशा जीरो होगा। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए हमेशा कि लूप कोई भी, इसलिए बोला गया लूप, क्या बोला गया? लूप स्टेटमेंट में क्या बोला गया? लूप। सो आपसे पूछता है केसीएल कहाँ लगता है? तो किसी नोड पर। केवीएल कहाँ लगता है? तो किसी लूप में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। सो केवीएल कहाँ पे लगता है? ये लूप में लगता है, क्लोज लूप सिस्टम में, है ना। और केवीएल कहाँ पे लगता है? ये किसी नोड पर लगता है ना, ये किसी नोड पर लगता है, ये क्लियर है, ये किसी नोड पर लगता है। तो आपको पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, केसीएल है ना,
केसीएल। अब इससे ये कहां कहां एप्लीकेबल होता है ना, कहां कहां एप्लीकेबल होता है, या इसके छोटे से क्वेश्चन एक करा देता हूं, एक छोटे से क्वेश्चन इसका कराता हूं, ध्यान समझिएगा। सपोज दैट यहां वोल्टेज है, यहां का वोल्टेज है 10 वोल्ट, है ना, इसका मतलब समझिए क्या कह रहा है। और यहां किसी ने बोल दिया आपको 2 वोल्ट है, इस रेजिस्टेंस के पास वोल्टेज 2 वोल्ट है, तो बताइए यहां का वोल्टेज कितना होगा, वी आर टू कितना होगा। अब बताइए किसी क्लोज लूप सिस्टम में अगर इसका वोल्टेज पूछा है तो आपको पता है ये सोर्स है, ये ड्रॉप हो रहा है, ये भी ड्रॉप होगा, तो जितना डिलीवर किया गया ड्रॉप उसी के सम के बराबर होगा। सो अगर कोई यहां से सॉल्यूशन आपसे पूछ रहा है तो कुछ भी नहीं है, ये सब बहुत बेसिक थॉट्स है ना। जितना भेजा गया या तो वी एस बराबर होगा वी आर वन के, यहां वी आर वन के यहां लगा लो, प्लस वी आर टू के, ऐसे कर सकते हो। सो अगर ये 10 है तो वी आर वन कितना है, 2 है, तो ये क्या होगा वी आर टू। सो वी आर टू आपको कितना दिख रहा है जी, 8 वोल्ट, है ना। श्योर है, केवीएल ही कहता है कि अगर 10 वोल्ट का सोर्स है किसी क्लोज लूप में, अगर यहाँ 2 वोल्ट ड्रॉप हो चुका है तो श्योर रहो कि यहाँ कितना वोल्ट मिलेगा आपको, 8 वोल्ट। ये कौन कह रहा है, केवीएल कह रहा है। यही कौन बोल रहा है, केवीएल बोल रहा है कि किसी भी क्लोज परिपथ में, किसी भी क्लोज परिपथ में वोल्टेज का अलजेब्रिक सम हमेशा क्या हो जाएगा, 0। वोल्टेज का अलजेब्रिक सम ये कैसे निकल रहा है, अकॉर्डिंग टू केवीएल। ध्यान एक चीज और रखना, आप लोगों को अगर कोई भी डॉट्स हो या जनरली अब टॉक जो होगी, एक आप लोगों को टॉक के लिए अलग चैनल ही मिलेगा, वो होगा ये, जो होगा आपको YouTube चैनल पे राजकुमार सर के नाम से, यहाँ पे क्या होंगे आपके रेगुलर कुछ न कुछ टॉकिंग चलेगी, वे जल्दी ही अपडेट करूंगा। और इस पे आपके जो भी प्रॉब्लम होंगे, जो भी क्वेरीज होंगे, वो जरूर डालना, मैं उसको यहाँ पे अपडेट करता रहूंगा राजकमल सर यूट्यूब चैनल पे, है ना। वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रेगुलर कुछ ना कुछ अपडेट, को इनसे एग्जाम के हैं क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं, कोई भी कोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, कुछ भी होगा, तो हम जरूर वहाँ पे रेगुलर आपसे डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ये जल्दी आपको मिल जाएगा इनके लिंक, है ना, या फिर सर्च करोगे तो ये आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे बात करूंगा यहाँ पे कि ये तो रहा अबाउट केवीएल, और भी कोई छोटा चीज बच्चे और कहां कंफ्यूज करते हैं, देखिएगा। एक बैटरी रहा, इसका रेजिस्टेंस रहा, दूसरा बैटरी रहा, इसका रेजिस्टेंस रहा, एक और रेजिस्टेंस है, यहां 5 ओम है, यहां 2 ओम है, यहां 1 ओम है, ये 10 वोल्ट है ना, और ये 20 वोल्ट है। आपसे पूछ रहा है इस परिपथ में करंट कितना जा रहा है इस डायरेक्शन में, है ना, इस परिपथ में करंट कितना जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। सो इसको हम कैसे दूर कर पाए, कैसे इंप्रूव कर पाए, तो ध्यान से देखिए यहां पे लूप लगाना। वोल्टेज का अलजेब्रिक सम 0 होता है, ये मुझे पता है, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, सबका सम कर देंगे तो उसका अलजेब्रिक सम 0 होगा, और सबको जोड़ेंगे तो यहाँ रेजिस्टेंस है, करंट बच रहा है, सीरीज में करंट सबका सेम होगा, सो आराम से करंट का वैल्यू निकल जाएगा। तो अगर मान लीजिए किसी भी डायरेक्शन में कोई कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इस डायरेक्शन में करंट का लेना है आप ले सकते हो, आपको इस डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन लेना है कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन लेने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर मैंने सपोज दैट करंट का डायरेक्शन यही लिया कि इस लूप में करंट इसी तरीके से चल रहा है, तो आराम से उठाइए। अब पहले प्लस माइनस को मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन प्लस कहाँ रहेगा, कौन माइनस कहाँ रहेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले इस चीज को देखते हैं। ऑब्वियसली बैटरी है तो इसका ये प्लस है, ये इसका माइनस है। अगर हमने करंट का डायरेक्शन ये लिया है तो इतना श्योर है कि हम ये मान रहे हैं कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, हम दोनों साइन कन्वेंशन से लेके आपको बना देंगे, आंसर सेम आएगा। चलिए यहाँ क्या होगा प्लस, यहाँ क्या है माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि करंट इधर से इधर जा रहा है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यहाँ क्या होगा प्लस, यहाँ क्या होगा माइनस, लेकिन अब यहाँ पे करंट डिसाइड नहीं करेगा, यहाँ इसकी खुद की पोलैरिटी है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, यहाँ क्या है प्लस और माइनस। सो अब लूप लगाइए, वोल्टेज का अलजेब्रिक सम 0 करिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। आइए करते हैं, यहां से शुरू कर लीजिए, निकलने वाले को प्लस लेना है, ये आपको डिसाइड करना है कि निकलने वाले को प्लस लेना है या
माइनस लेना है। तो निकलने वाले को अगर प्लस लेके चलोगे तो ध्यान समझिए, निकलने वाले को लेके चलना है, इंटर करने वाले को लेके चलना है। अगर निकलने वाले को लेके चलना है तो माइनस है, तो ऐसे शुरू कीजिए, तो सबका निकलने वाला लेना है। सो अगर निकलने वाले की मैं बात करूँ तो माइनस ऑफ 20, यहाँ पे क्या दिखा माइनस। अब देखो यहाँ तो रेजिस्टेंस है, अब रेजिस्टेंस वोल्टेज के साथ थोड़ा जुड़ेगा, केवीएल में तो सब वोल्टेज होना चाहिए, तो रेजिस्टेंस में को वोल्टेज में बदलने के लिए, इसको वोल्टेज में को बदलने के लिए आई इंटू टू करना पड़ेगा कि नहीं, क्या करना पड़ेगा, आई इंटू टू, करेंट इंटू टू, है ना। सो क्या करूंगा मैं, अब यहाँ पे क्या होगी पोलैरिटी, माइनस, निकलते टाइम माइनस है, सो माइनस टू आई। सिमिलरली यहाँ पे ये भी रेजिस्टेंस है, तो अपने को वोल्टेज बनाना है ना, एक तो निकलने वाले को माइनस लेके चलना है, निकलने वाले को माइनस लेके चलना है, सो फाइव इंटू आई, फाइव इंटू आई। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ से आओगे, निकलने वाला का फिर माइनस है, माइनस ले लिया, वन इंटू आई, वन इंटू आई। नेक्स्ट यहाँ निकलने वाले को क्या देख रहे हो, प्लस कितना है, प्लस कितना है 10 वोल्ट। सबका अल्जेब्रिक सम कितना होता है, जीरो। सबका अल्जेब्रिक सम क्या होगा, जीरो। बस इक्वेशन निकालो, करंट अपने आप निकल जाएगा, माइनस 20 और प्लस 10, तो माइनस 10, 2 माइनस 5 और 1 6, तो माइनस क्या हो गया 6 2 8, माइनस 8 i बराबर जीरो, है ना। सो आप यहां से करोगे माइनस 8 i, माइनस 8 i इज इक्वल टू 10 एम्पियर, इज इक्वल टू 10, अभी एम्पियर को रहने दो 10, सो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 10/8, आई इज इक्वल टू 10/8, लेकिन माइनस तो लगा रहेगा, सो इसका वैल्यू अगर बात करूँ तो कैंसिल आउट करो इसको, है ना, तो कितना हो जाएगा 1, माइनस में लगा रहेगा 1.28 × 16, 4 20, 8 5 40, इतना एम्पियर, है ना, 1 पॉइंट, यानी -1.25 एम्पियर, -1.25 एम्पियर, -1.25 एम्पियर। सो करेंट का वैल्यू कितना है, -1.25 एम्पियर। अब ये इंडिकेट क्या करता है, सबसे बड़ी बात होती है ये इंडिकेट क्या करता है, प्लस आता तो क्या होता, माइनस होता तो क्या होता, समझिएगा। यहाँ पे इसी सर्किट में अगर आपने एज्यूम किया और ये आई का मान आ गया -1.25 एम्पियर, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है एक्चुअल में जो सर्किट है ना, उस सर्किट में करंट का डायरेक्शन इधर से है, आपने निकाला तो वैल्यू इधर से है, निकाला आपने वैल्यू इधर से है, जो कि क्या है माइनस में आ रहा है, क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एग्जैक्ट में करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है और उसका डायरेक्शन आई क्या होगा तब, पॉजिटिव हो जाएगा, तब होगा। सो आपने जो पूछा गया डायरेक्शन है उसमें तो आपको माइनस लगाना ही पड़ेगा, लेकिन एक चीज तय है कि इस परिपथ में करंट का डायरेक्शन इधर है। अब उस चीज को भी आप समझिए कि क्यों इधर होगा, ये समझिएगा क्यों इधर होगा, ये भी समझने की चीज है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी पोलैरिटी, इसको अगर यहाँ पे नजदीक लेके जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, क्या दिखेगा कि यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये बड़ा वाला यहाँ पर है आगे गया और छोटा वाला बड़ा वाला यहाँ, ये छोटा है ना, ये इस बैटरी को अगर उठा के यहाँ पे ले आऊँ तो आपको ये दिखेगा। देखिए इसकी पोलैरिटी है 10 वोल्ट, वोल्टेज है इसकी 10 वोल्ट, ये है 20, तो ये इसकी प्लस इधर धक्का दे रहा है, इसका 10 इधर धक्का दे रहा है, सो रिजल्टेंट अगर बात करें तो 20 वोल्ट को 10 वोल्ट ओवरकम कर जाएगा, तो इसका ही करंट दबदबा रहेगा, इसकी इसकी मेजोरिटी ज्यादा है, ये काउंटर कर रहा है एक दूसरे को, क्या कर, देखिए इसका भी प्लस आपस में काउंटर कर रहा है, इसी को उठा के लाया हूं, इसको अभी समझिए कि इसको उठा के ऊपर कर दिया हूं तब समझिए, ऐसा नहीं कि ये कहां से लाए, इसी को उठा के लेके गया हूं, तो समझिए ये जब दो प्लस प्लस दिखे तो आपस में हमेशा क्या होता है, काउंटर करता है, घटाएगा वैल्यू, जैसे कि बैटरी की वैल्यू जुड़ता है कब, जब यहां पे प्लस और माइनस हो तो फिर यहां पे क्या होना चाहिए, माइनस और प्लस, तभी ना बैटरी जुड़ता है, तभी वोल्टेज जुड़ता है। अगर ये 5 वोल्ट है, ये भी 5 वोल्ट है, तब टोटल कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, कितना हो जाएगा 10। तो क्या हुआ, जुड़ने के लिए क्या होना चाहिए, माइनस प्लस माइनस प्लस, लेकिन जब यहां 10 इधर भी है 10 इधर भी है, तो ये कभी जुड़ेगा नहीं, कभी क्या होगा, जुड़ेगा नहीं, सो घटेगा, और घटेगा तो किसकी मेजोरिटी होगी, ये 20 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, सो श्योर है कि करंट इधर ही धकेला जाएगा। सो करंट एग्जैक्ट में सर्किट में करंट इधर ही आएगा, लेकिन पूछा गया डायरेक्शन ये है, तो अपने को जो डायरेक्शन आया उसमें नेगेटिव तो जो लगा है वो तो लगा ही है ना, लेकिन एग्जैक्ट में करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इसका मीनिंग होता है। चलिए अब इसको हटा देता हूं, समझाने के लिए किया था, ठीक है।
है ना। अब ये चीज तो तय हो गया कि ये 20 वोल्ट वाला ही मेजोरिटी ज्यादा है, इसी की करंट इधर जाएगी तब प्लस होता, लेकिन पूछा गया आंसर उल्टा है। सो आपको कितना देना पड़ेगा? -2.5 एम्पीयर, है ना। तो हम चाहेंगे, ये चूंकि थ्योरी की क्लास है तो मैं चाहूंगा क्या, मैं चाहूंगा कि इस पे बेस्ड काफी न्यूमेरिकल हो जाए केसीएल केवीएल पे, और दो करंट सोर्स सीरीज में कैसे जुड़ेगा, पैरेलल में कैसे जुड़ेगा, उनकी बारे में भी डिस्कशन की एक न्यूमेरिकल कंप्लीट चैप्टर होगा आने वाले सेशन में। लेकिन अब इसमें बेसिक आई होप आप लोगों ने सीखा होगा कि बेसिक क्या होता। अब यहां पर मैं कहूंगा कि केवीएल भी कहां एप्लीकेबल होता है ना। केवीएल इज एप्लीकेबल, ये एग्जाम में पूछता है एप्लीकेबल कहां कहां एप्लीकेबल होता है, ये आपके एग्जाम में पूछता है, आपको लिखना पड़ेगा। पहला कहां कहां, इट इज एप्लीकेबल इन लम्ब्ड सर्किट। ये कहां पे एप्लीकेबल होता है, लम्ब्ड सर्किट में। क्या होता है लम्ब्ड सर्किट, केसीएल में मैंने बताया है, इट इज इंडी सेम पहले जैसा, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ एलिमेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ एलिमेंट। यह एलिमेंट के नेचर से इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड नहीं करता, चाहे लीनियर हो नॉन लीनियर हो, आरएलसी कोई भी हो, सब पे लागू होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, समझिए इस चीज को। इट ओबे लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन रूल, एनर्जी कंजर्वेशन रूल, ये किसको फॉलो करता है, एनर्जी कंजर्वेशन रूल को फॉलो करता है। तो इस चीज का भी ध्यान रहे, वो चार्ज कंजर्वेशन था क्योंकि करंट फ्लो कर रहा था, तो कितना करंट था, है ना, ठीक है ना, कितना करंट था इस पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन इस कंडीशन में क्या कर रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन रूल को ओबे कर रहा है, किसको, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन रूल को। तो केवीएल किसको फॉलो करेगा, एनर्जी कंजर्वेशन रूल को, और केसीएल किसको ओबे करता है, चार्ज कंजर्वेशन रूल को, है ना। ये एनर्जी कंजर्वेशन तो एग्जाम में बड़ा फ्रिक्वेंट पूछे जाते हैं, इनका भी ध्यान रहे, है ना। इट इज सेम, ये भी इट इज नॉट एप्लीकेबल इन डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट, इनके बारे में भी चर्चा कर दिया हूं, है ना। इट इज नॉट एप्लीकेबल इन डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट। तो ये चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके माइंड में होना चाहिए, ये चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके माइंड में होना चाहिए कि ये कैसे वर्क करता है, क्या क्या कहाँ ओवे करते हैं। ये तीनों सबके लिए, ये दो तो सेम था, ये तीसरा भी सेम था, यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन रूल, यानी एनर्जी कंजर्व होता है किसी क्लोज लूप में, एनर्जी का कंजर्व होता है, जितना कोई भेजा एनर्जी उतना ही उस लूप में कंजर्वेशन, उतना ही ड्रॉप के बराबर होता है, उतना ही एनर्जी खपत के बराबर होता है। सो एनर्जी कंजर्वेशन रूल को ओवे करता है कौन, केवीएल, ठीक है ना। अब ध्यान रखिए, KCL, KVL और दो करेंट सोर्स सीरीज में कौन से जुड़ सकते हैं, कौन से पैरेलल जुड़ सकते हैं, इसके कंडीशन के साथ, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के सेशन को यहीं कंप्लीट करता हूं, मिलते हैं हम अगले सेशन में। ओके, गुड बाय।